आदाब, सलाम अलैकुम। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप जान ही गए कि हमारे आज के मेहमान हैं जनाब मोहम्मद सोहेल शेख साहब। वो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं और आज हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक कंप्लीट आर्टिस्ट हैं। वो आज एक नौजवान आर्टिस्ट हैं, एक उभरते हुए सितारे हैं। मैं उनसे बात करने जो बात कर रहा हूँ वो तीन मौजुओं पर है। एक, इब्तदा उनकी जो फ़िल्मी दुनिया से वाबस्तगी, और दूसरा उनकी दिलचस्पी जो पेशे तदरीस से है, टीचिंग प्रोफेशन से है, और जो बहुत मुझे हैरत में डाल देती है वो बात है, उन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया जिसका नाम था जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। तो मुझे ये बात बिल्कुल एक सोचने में डाल दी कि क्या कोई नौजवान जो कि फिल्मी दुनिया से वाबस्ता है और वो उसका दीन इस्लाम की तरफ झुकाव और गौसुल हुजूर गौसे आज़म को वो बिल्कुल जाने पहचाने, उनकी तालीमात से वो वाबस्ता हों, और वो ये चाहे कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाही अलैह की तालीमात वो आवाम तक पहुँचे और वो बिलखसूस नौजवान तक पहुँचे। हम उनसे बात करते हैं जनाब सोहेल साहब से। सोहेल साहब, आपका इस्तकबाल है। मुझे बिल्कुल पहले यही बता दीजिए कि ये जो फिल्म दुनिया से आपकी जो वाबस्तगी है, तेलुगु मूवी संबरम से आपने अपना करियर शुरू किया, कुछ यादें उसकी, कुछ याद है आपको? आप 5 साल के थे, 2003 की मूवी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। मैं जो भी मुकाम पर बैठा हुआ हूँ ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वालिद साहब की बदौलत है कि मुझे हर टाइम मुझे एक पुश करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिद साहब का है, जिन्होंने मुझे जब मैं 5 ईयर्स का था तो पहली तेलुगु मूवी संबरम में मुझे चांस मिला और मैं वालिद साहब के साथ गया और वहाँ पर हीरो नितिन के साथ कुछ यादें हैं आपकी उस मूवी के से जुड़ी हुई? अब जब तो मैं 5 ईयर्स का था जी, लेकिन थोड़ा बहुत जब फोटोज़ देखता हूँ, पिक्स देखता हूँ तो याद ताज़ा हो जाती है। जब वो वीडियो क्लिप्स देखे हैं, वीडियो क्लिप्स अंधा पाशा खेल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा लम्हा था वो जब मैं 5 ईयर्स का था जी। तो और उसके बाद आपने फिर बॉलीवुड के एक बड़े बैनर पर आपने काम किया, मनीषा कोइराला और इरफान खान के साथ आप जी देखे गए मूवी तुलसी में जी। जब आप 10 ईयर्स के थे तो तब की अगर कुछ याद आपको हो, वो शूटिंग कहाँ पर हुई? जी, ये हिंदी मूवी तुलसी जो बॉलीवुड की मूवी है जी, ये इसकी शूटिंग पूरी ऊटी में हुई। अच्छा, तो ऊटी में मैं गया 3 टाइम्स गया, वो भी डैडी के साथ ही गया और 15 डेज शूटिंग हुई वहाँ पर हम लोग स्टे हुए और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। इरफान सर के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करे, मनीषा कोइराला जी के साथ भी हम लोग टाइम स्पेंड करे, और सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इरफान सर को जी, कि बहुत जल्दी दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनकी मगफ़िरत करे। और बहुत अच्छा लम्हा था, हम लोग साथ बैठते थे और वो शूटिंग जैसा होती थी वहाँ पर, फिर हम लोग साथ लंच करते थे, डिनर करते थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ जी। नाच गाना। और इसके अलावा किन मूवीज़ में आपने काम किया? तेलुगु मूवी संबरम के बाद फौरी बाद रामूजी फिल्म सिटी का ऐड किया मैंने। अच्छा, कौन थे उस ऐड में? आर्टिस्ट थे, हैदराबादी आर्टिस्ट थे और साउथ के आर्टिस्ट थे। अच्छा, आफ्टर रामूजी फिल्म सिटी ऐड फिर तुलसी मूवी में चांस मिला बॉलीवुड में, वहाँ पर गए और शूट हुई, उसके बाद फिर हैदराबाद वापस लौटे, फिर तेलुगु मूवी बीरूडू में, किसके साथ? सिद्धार्थ और स्वीटी हसन के साथ। अच्छा, वो मूवी की शूटिंग पूरी रामूजी फिल्म सिटी में हुई, 1 मंथ वहीं पर था मैं रामूजी में। अच्छा, और रिसेंटली आप जिक्र कर रहे थे कि नागार्जुना के साथ है। जी, कोई ऐड? उसके बाद जैसा ही बीरूडू कम्प्लीट हुई फिर मेरे डैडी ने एक सॉन्ग लिखे थे, लिरिक्स, वो सॉन्ग कुछ यादें कुछ खुशियाँ जो बहुत ही आपकी उन यादों को ही ताज़ा करना जी, कुछ यादें कुछ खुशियाँ रिसेंटली
सॉन्ग रिलीज़ हुआ और पूरी उसमें पूरी मेहनत वाले साहब की है, उन्होंने लिखे और उन्होंने ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर कंपोजर सब वाले साहब ही है। सॉन्ग रिलीज़ हो गया और उसके बाद फिर अब लास्ट मंथ नागार्जुन सर के साथ ऐड हुआ एक डाबर चमन प्रश, टॉलीवुड एक्टर डाबर चमन प्रश का ऐड हुआ, उनके साथ था मैं, टू डेज की शूटिंग थी। और इन सब के अलावा मेरी जो दिलचस्पी है कि ये फिल्मी दुनिया के अलावा आप जो टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो टीचिंग प्रोफेशन को इख्तियार करने की क्या वजह है? क्योंकि इससे लगता है कि हो, ये भी हो सकता है कि आप एक्टिंग ही को अपना प्रोफेशन बना लेते और कोई दूसरे पर किसी और तरफ न देखते, लेकिन आपने टीचिंग को भी एज ए करियर गोल आपने चुना है और खासा बच्चों में आप मशहूर भी हैं कि सोहेल सर इंग्लिश के एक बेहतरीन टीचर हैं और एक लाइक एजुकेशनल एकेडमी भी आपने कायम की है उसके ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि मेरे पेरेंट्स जो है, वालदा और वालिद का कहना ये है कि ज़िंदगी में टाइम वेस्ट मत करो, हर चीज़ करो लेकिन सोच समझ के करो। तो मैं ये सोचा कि मेरे वालदा और वालिद साहब भी ये कहे कि ठीक है बेटे टीचिंग फील्ड में जाओ, फिर मैं वहाँ पर गया क्योंकि स्टेज फियर तो ख़त्म हो गया था फिल्म इंडस्ट्री में जाकर, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज फियर ख़त्म हो गया। फिर मैंने, अब जैसे कि टीचिंग फील्ड में तो 40 से 50 बच्चे रहते क्लास में और बाद वक्त तो ऐसा होता फेस करना, वो लोग को लेक्चर देना, बाद वक्त तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते जिसमें 200 से 300 स्टूडेंट्स रहते सामने, पेरेंट्स भी होते। पर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज फियर टोटली ख़त्म हो गया वहाँ पर, फिर टीचिंग फील्ड अपनाया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी टीचिंग चल रही। लाइक एजुकेशनल एकेडमी के अलावा भी क्या आप ये सोचते हैं कि आपको कोई स्कूल इस्टेब्लिश करना है जी, और आपके कदम आगे बढ़ाना है? जी इंशाल्लाह ज़रूर, इरादा तो है और पेरेंट्स का भी ये कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चालू करें। अब एक स्कूल छोटा सा यहीं पर बस्ती में कहीं पर देखकर प्राइमरी से स्टार्ट करना इंशाल्लाह ताला। इरादे हैं, अल्लाह आपके इरादों को कामयाब करे। आमीन आमीन। और इसके अलावा जो तीसरा जो मेरा इस इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो जश्न गौसुल वरा, और जब मैंने आपको वो बैनर देखा कि एक नौजवान आर्टिस्ट और जिनको दिलचस्पी टीचिंग फील्ड से है उन्हें जश्न गौसुल वरा का बैनर और वो प्रोग्राम जब आपने अनाउंस किया तो मुझे बिल्कुल हैरत हुई। मुझे खुमार बाराबंकी का वो शेर याद आता है, हैरत है तुमको देख के मस्जिद में ऐ खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। तो एक नौजवान को और फिल्मी दुनिया से जिसकी वाबस्तगी है उन्हें खुदा याद आना, बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं बल्कि बहुत से लोग जो ये सुने कि सोहेल सर फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं और वो जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करना, कि इसके पीछे क्या वजह है? देखिए अल्लाह का डर दिल में रहना बेहतरीन बात यह है कि हम जो भी कर रहे हैं नियत हमारी तमाम दारोमदार नियतों पर है कि हमारी नियत क्या है। हम तो मुस्लिम हैं और अल्लाह का डर ज़रूर है, और आजकल के जो मुस्लिम फॉर्म है कि जो माशरा चल रहा है कि वो लोग दीनी तालीम से दूर है, तो मेरे दिल में ये आया कि अल्लाह तबारक तआला अगर अल्लाह तआला का फजल हुआ अगर तो इंशाल्लाह तआला एक प्रोग्राम रखेंगे मुनक़िद। उसके बाद के जिसने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया मैं, क्योंकि जो सुल्तान औलिया माने जाते हैं हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी जो तालीमात है वो तालीमात आवाम तक पहुँचे, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है दीन की बातें आवाम तक पहुँचे, इसीलिए मैं ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा कॉन्फ्रेंस। और आप जितने मेहमान बुलाए थे बस सब मेहमान जी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मैंने भी शिरकत की और उन सब मेहमानों ने हज़रत हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात, आपकी ज़िंदगी, आपका बचपन, आपकी नौजवानी, वो सब आवाम के सामने उन्होंने रखा और वो एक पैगाम ये पहुंचा कि बिल्कुल नौजवानों को नौजवानी किस तरह गुजारना है जी, और बिल्कुल ज़िंदगी के हर मरहले में आदमी जो भी स्टेज पर है जिस एज में भी वो है उन्हें चाहिए कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम ही को पहुँचे हैं। मैं सोहेल शेख साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त हमें दिया और उन तीन चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बात की, उनकी फिल्मी दुनिया और उनकी टीचिंग प्रोफेशन से दिलचस्पी और उनका झुकाव जो दीन इस्लाम की तरफ है।
आपने उसको भी ज़ाहिर किया। दो बातें आपने बहुत अच्छी कहीं, एक कि अल्लाह का डर दिल में हो, खुदा का खौफ दिल में हो, और जब खुदा का खौफ दिल में होता है बज़ाहिर है आदमी अपना हर कदम अपनी हर ज़िंदगी के हर मरहले को फिर दीन इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखते हुए अब वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। इस बेहतरीन पैगाम के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, शुक्रिया। और मैं जनाब सोहेल शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया हुजूर, थैंक यू।